सहारनपुर जिला जेल को खाली करवाने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने जेल प्रशासन को एक नोटिस भेजा गया है। पुरातत्व विभाग ने कहा कि सहारनपुर जिला जेल रोहिला वंशजों का एक पुराना किला है और ये एक राष्ट्रीय धरोहर है, लिहाजा इसको खाली करवाना और ये एक राष्ट्रीय धरोहर है लिहाजा इसको खाली करवा जेल को कहीं और शिफ्ट किया जाए। जो ये किला बना था ये 250 साल लगभग पुराना है और ये राजा इंद्रगीर ने बनाया। अब इसको ब्रिटिशर्स ने जेल में तब्दील किया। अब जो है मैंने जो अखबार में पढ़ा था और हमें जो जानकारी मिल रही है कि पुरातत्व विभाग इसको बना रहा है, दोबारा से रिस्टोरेशन कर रहा है। रिस्टोरेशन मतलब इसको दोबारा बना रहा है, तो ये अच्छी बात है कि ये पुरातत्व विभाग अगर उसका रिस्टोर कर रहा है, क्योंकि रोहिला ये जो किला है भाई ये बहुत पुराना है और अगर इस किले को हम जेल में ही रखते हैं, जेल के तो नए बिल्डिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस किले को हम ऐसे ही रखते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है और सांस्कृतिक विरासत है उसको हम क्षति पहुंचा रहे हैं। जेल के सुपरिटेंडेंट ने पुरातत्व विभाग द्वारा जेल प्रशासन को दिए गए नोटिस की पुष्टि की है। जेल सुपरिटेंडेंट का डॉक्टर वीरेश राज शर्मा का कहना है कि जेल को खाली करने का नोटिस उन्हें मिला है और शासन स्तर से जेल को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये दावा किया गया है कि इस नोटिफिकेशन के तहत इस जेल को रोहिल्ला किला के रूप में संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया है, अतः इसको खाली कर दिया जाए। अगर जमीन वगैरह देख ली गई है तो शिफ्टिंग के लिए भी कितना प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? नहीं, जमीन अभी नहीं देखी गई है, अभी मुख्यालय से और मुख्यालय के द्वारा शासन से डीएम और कमिश्नर के द्वारा अनुरोध किया गया है कि ये निर्णय ले लिया जाए कि इस जेल को शिफ्टिंग किया जाएगा। SPN 9 न्यूज के लिए सहारनपुर से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।